कुएं के पास की सफेद दुर्गा, कुएं के पास की सफेद दुर्गा, यदि 41 दुर्गा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्गा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्गा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्गा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त, यही दुर्गा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्गा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्गा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्गा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्गा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्गा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्गा का लेपन शरीर पर कर लें, आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्गा का महाराज 21-21 दुर्गा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्गा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा, दुर्गा सुख का अनुभव करा देगा, आनंद का अनुभव। महाराज भगवान के मंदिर में पहुंचकर ये पांच दर्शन मनुष्य नित करता है, पहला भगवान के चरणों का, दूसरा भगवान के नाभि कोश का, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का, चौथा भगवान की शिखा का और पांचवा भगवान के नयन का। सबसे पहला दर्शन जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर जाकर करें तो वो भगवान के चरण होना चाहिए, परमात्मा के चरण, भगवान शंकर की जो पांच पुत्रियां हैं जया, अभिशहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, भगवान शिव की जो पांच बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विशहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन पांच कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं उनको रात भर नींद चकाचक आती है, फिर उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गोली